जी और अब तुमने इनकी बेस कर दी है। बेस कर दिया मैंने NC35 पाउडर लगाया था। अब हम कंटूरिंग करेंगे। अब कंटूर हमने सीखी है। अच्छा, कंटूर मैट मेक श्योर करेंगे, मैट फिनिश कलर लगाएंगे हम। ठीक है। और अभी शिमर दूर दूर तक शिमर नहीं है, सही। कान के सेंटर में से लिप के सेंटर में एक हम लाइन क्रिएट करेंगे। अच्छा, ठीक है। बहुत ऊपर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लिफ्ट ना लगे, क्योंकि हमें हम सिर्फ कान के सेंटर में हमने एक ये हमने एक लाइन क्रिएट किया। सही, ये लाइन हमने क्रिएट किया, मेक श्योर करें। और इस लाइन को हम अपर डायरेक्शन में ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करेंगे बिल्कुल, क्योंकि फुट्टे खींचे हुए जो कॉन्टोर्स है वो जब आप शादी वादी में जाते हैं ना वहाँ नहीं अच्छे लगते, वहाँ लोग देख रहे होते हैं। हमने ब्लेंड कर लिया। सही है, दूसरी साइड पे भी हम इसी नजर आ रहे होते कि क्या किया हुआ है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से एक लाइन खींचेंगे और हम उसको अच्छा मेक श्योर करेंगे। जब आप लाइन क्रिएट कर रहे हो तो इस ब्रश को, बड़े ब्रश को आप ऐसे चपटा कर लें। सही है, बहुत ज्यादा ब्रशेस में ना उलझे। इसी ब्रश के साथ आपको एंगल बना के आप चपटा कर लें और उसको अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करें। जैसे कि यहाँ पे बहुत आपने खुद किया मेकअप, आपने देवरानी ने किया, आप उधर देखेंगे उनकी तरफ। हाँ देखिए, अब यहाँ पे भी इनकी जो कॉन्टोर हुई हुई है, आई डोंट नो स्क्रीन पे कितनी तक नजर, उधर देखेंगे उस तरफ देखिए उस तरफ। ये अब आप देख सकते हैं ये कॉन्टोर ऑन स्क्रीन जब इतनी सारी लाइट है उसमें ब्लेंड होके फिर थोड़ी बेहतर लग रही, लेकिन जब आप नेकेड आई से इस कॉन्टोर को देखते हैं तो आपको बकायदा नजर आता है कि यहाँ कॉन्टोर हुई हुई है, यहाँ हुई हुई है, ये पूरा सफेद हुआ हुआ है। सो आपको एक एक हिस्सा नजर आ रहा है कि कौन सी चीज किधर लगाई है। उसके बाद हम जॉ लाइन पे करेंगे कलर, हाँ, ताकि हमारी जो चिन है वो एनहेंस हो जाए। अब ये देखिए वाजिद सब चीज ब्लेंड कर रहा है, लगाता हाँ, भी जा रहा है, ब्लेंड भी करता जा रहा है, लगाता और भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि लाइटर शेड डार्क शेड के साथ ही कर रहा हूँ, लेकिन ब्लेंडिंग। ओके, अब क्या करना है हमें इसी ब्रश के साथ हमें नाक की कॉन्टोरिंग करनी है। अच्छा, सबा की जो नाक है वो पहले यहाँ से बहुत पतला है। अच्छा, तो हम यहाँ पे शेडो नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ टिप को क्रिएट करेंगे। सो मेक श्योर करें। अच्छा, हम पतले ब्रश के साथ भी टिप बना सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, ब्रश के साथ हमने एक लाइन यहाँ क्रिएट की सिंपल, ये थोड़ा डार्क लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने इसी तरीके से टिप क्रिएट कर दिया। ठीक है ये हाँ। और यहाँ से हमने कट कर दिया। सही है, ठीक है। अब इसको ब्लेंड कैसे कर रहे हो? उसके बाद हमने इसी बड़े ब्रश के साथ ब्लेंडिंग लाइक दिस ऐसे। ठीक है, ओके, थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, हम इसको पाउडर के साथ ब्लेंड कर देंगे। सही, ताकि शादी पे जाते जाते तो जब तक और भी ब्लेंड हो जाती है थोड़ा। अगर आप मेक श्योर करें कि बहुत ज्यादा डार्क भी ना हो, अदरवाइज रात तक काला हो जाता है मेकअप। बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं और क्लाइंट आते हैं तो बोलते हैं वो ये तो कुछ किया नहीं है, तो हमें मुंह हमारा गोल लग रहा है। तो क्या होता है जब आप ब्राउन कलर लगाते हैं, अगर डायरेक्ट ही डार्क लगाएंगे तो वो काला होना शुरू हो जाएगा और रात तक बिल्कुल काला हो जाएगा। ठीक, तो आप उतना ही लगाएं जितना आपको लगाना है। सही है, हमारा ब्लेंड हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारे उसके बाद हमने क्या किया, पिंक ब्लशर लिया और उसको ब्राउन के साथ ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाए, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से फ्रेशनेस आ जाए। और इनकी आंखों का कैसा मेकअप करूं? इनकी आंखों का मैं अभी बताता हूं। सॉलिड एक हम ब्राउन शेड लगाएंगे, हाँ, क्योंकि अभी आई पे आ जाओ तो हाइलाइटर करो। हाइलाइटर करो हाँ, okay. चलो स्किन पे हम। सो हमने क्या किया, इनको चाहिए ना चमकदार स्किन। सबा की स्किन के ऊपर हमने ये लिया, सिल्वर और गोल्ड को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, सही है। और मेक श्योर करें कि ये हम एंगल लगाएंगे। ये देखना है मुझे कि ये तुम कहाँ दे रहे हो। ये ओ ओके, बस ये इस एंगल पे आ गया है, इस एंगल पे बस। अभी इसको हम ब्लेंड भी करेंगे, इसको हम बाद में ब्लेंड करेंगे। ये एंगल पे आ गया, ठीक है। और सबा ने जब खुद लगाया हुआ था तो सबा का ये लगा हुआ था, हाँ। ये लगा हुआ था और सिर्फ हम हल्का सा सेंटर में यहाँ पे नाक जो अंदर यहाँ पे थोड़ी सी दबी हुई है, हम इस जगह पे हाईलाइट करेंगे ताकि यहाँ से नाक थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ, और हल्का सा सेंटर में फोरहेड पे लगाएंगे। तो अब वो चमकदार चेहरा खुद ही लगेगा, लेकिन पूरी नाक खड़ी लग रही है। चिन विन पे भी नहीं लगा, चिन पे हल्का सा लगा दिया, बहुत हल्का सा लगा। ठीक है, और अभी इसे ब्लेंड करोगे वाजिद? हाँ, इसको मैं ब्लेंड करूंगा बड़े ब्रश के साथ। इस तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे, सी ब्लशर के साथ हल्का। अभी जैसे जैसे और पसीना आता जाएगा, ऑयल आता जाएगा, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। ओके,